ओलंपिक्स। तो आज तक इंडिया को ओलंपिक्स से होस्ट क्यों नहीं किया, इंडिया के कोई सिटीज आज तक ओलंपिक होस्ट क्यों नहीं किए, और क्या फ्यूचर में वो ओलंपिक होस्ट करने चाहता है, इंडिया के कोई सिटी ओलंपिक होस्ट करने वाला है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ओलंपिक होस्ट इंडिया आज तक क्यों नहीं किया। इंडिया ने आज तक ओलंपिक होस्ट नहीं करवाया क्योंकि किसी भी सिटीज में ओलंपिक होस्ट करने के लिए उनके एक इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको पास एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ओलंपिक्स में आपको 351 इवेंट्स कराने होते हैं, जिसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी चाहिए, स्टेडियम चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंडिया आज तक उतना डेवलप नहीं हो पाया था कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर उतने हो सके। हाँ, इंडिया ने 1951 और 1982 में एशियन गेम्स होस्ट किए थे, और अभी हाल ही में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी होस्ट किए थे। पर ओलंपिक्स में बात बदल जाती है, ओलंपिक्स में आपको बहुत सारे इवेंट्स कराने होते हैं, ऑल ओवर ग्रुप से एथलीट्स आते हैं और खेलते हैं, तो उनके 15,000 तो एथलीट्स की एकोमोडेशन के लिए आपको होटल्स और चाहिए, और पूरी अच्छी तरह से फुलफिल उनके होने चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट लग जाता है। चाइना में भी ओलंपिक्स कराने में उनको 44 बिलियन डॉलर, मतलब कि 33,000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट लगी थी, तो ऑन एवरेज और देखा जाए तो लगभग 20 बिलियन डॉलर तो लग ही जाते हैं। पर क्योंकि इंडिया 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो क्या इंडिया ये चीज फुलफिल कर सकता है? तो हाँ, आज इंडिया आज के समय में फुलफिल करने लगा है, और अभी वो 2032 को एम कर रहा था कि आज वो कि वो ओलंपिक्स 2032 में करा सके, पर वो ब्रिस्बेन में होने वाली है, तो वो अब इंडिया 2048 को टारगेट कर रहा है दिल्ली में कराने के लिए। और जैसे कि आज के समय में क्या ओलंपिक्स कराना यह सच में प्रॉफिटेबल है? तो प्रॉफिटेबल तो है, पर उसमें आधा कॉस्ट तो सिर्फ जाए IOC ले जाती है, और साथ में ब्रॉडबैंड जो ब्रॉडबैंडिंग करती है वो भी ले जाती है साथ में, तो जो जो सिटीज होती है उनको उतना फायदा नहीं मिल पाता है। हाँ, पर इससे बिजनेस बढ़ते हैं, सेल्स बढ़ती है, और वहाँ की टूरिज्म बनती है, अलग से उस सिटीज का नाम होता है पूरे ऑल ओवर द ग्लोब, तो वहां पर सिर्फ टूरिज्म बढ़ जाती है। पर उसके कुछ डार्क साइड भी है। आज के समय में जो रियो में जैसे हुआ था, जहाँ जहाँ एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और अभी टोक्यो में हो रहा है, वहां भी बहुत ही ज्यादा उनको कॉस्ट, मतलब कि ओवर कॉस्ट लग रहा है और प्रॉफिट उतना नहीं आ पा रहा है। तो अगर इंडिया ओलंपिक्स को होस्ट करता है, तो आप ऑलरेडी जानते हो कि जैसे वेस्टर्न जो न्यूज है और जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है, वो किस तरह इंडिया को देखती है और हमेशा इंडिया की नेगेटिव थिंग्स भी बताती है अपने व्यूअर्स को। और तो अगर ओलंपिक्स इंडिया में होता है और वहाँ कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको वो कैसे इंडिया की नाम बदनाम हो सकती है इससे, अगर अगर इंडिया अगर अच्छे से ओलंपिक होस्ट करने लायक नहीं है तो इसलिए उन्होंने इंडिया को अच्छी तरह से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी तरह से टूरिज्म वगैरह बिल्ड करनी पड़ेगी, जिससे पहले ताकि वेस्टर्न न्यूज भी इंडिया को ब्लेम ना कर सके, क्योंकि 2016 में ओलंपिक्स में रियो को बहुत ही ज्यादा ब्लेम किया गया था, तो वो ऐसा इंडिया को भी वो न्यूज चैनल्स ब्लेम कर सकती है। हाल ही में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं उससे किसी भी सिटीज को बस ज्यादा फायदा हो रहा है, पर नुकसान भी बहुत हो रहा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ के रिवर्स खराब हो रहे हैं, फॉरेस्ट उपयोग जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हटाने पड़ रहे हैं, जिससे वहाँ देखा जाए तो सिटी को दिक्कत जा रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि अगर इंडिया ओलंपिक्स बाद में ही कराए तो ज्यादा बेहतर है, जितने भी ओलंपिक्स हो रहे हैं उससे सिटीज को ही नुकसान हो रहा है, तो इस ये भी एक देखने वाली बात है। मैं चाहूंगा अगर इंडिया में हो ओलंपिक्स तो वो अच्छी बात है, ओलंपिक्स होनी चाहिए, और जिससे एथलीट भी अच्छे जिसके लिए इतने मेहनत करते हैं वो भी वो पूरी कर सके, और एथलीट और ये ओलंपिक्स बहुत अच्छा माहौल बना देता है। पर इससे जो नुकसान सिटीज को हो रही है वो कम हो तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर इंडिया में होती तो इंडिया पूरी अच्छी तरीके से उसे कंट्रोल बाकी सबको नजर में रखते हुए अगर इसे होस्ट करता है तो बहुत मुझे अच्छा रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि आप इंडिया ओलंपिक इंडिया को कौन सी स्थिति सबसे बेहतरीन होगी ओलंपिक्स कराने के लिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।